हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है। प्रीत तिवारी चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सुंदर सा बन हेयर स्टाइल। फ्रंट एंड बैक दोनों है, फ्रंट बैक वेडिंग बन हेयर स्टाइल। तो किस तरीके से करना है सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी नई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल पर चली जाए। तो सबसे पहले इस तरीके से ईयर टू ईयर पार्टिंग करना है और अपने क्राउन एरिया से इस तरीके से हेयर को उठाना है, जैसे कि मैं यहाँ पर उठा रही हूँ। ओके, तो इस तरीके से हेयर को लेने के बाद से अच्छे से हेयर में कॉम करना है, और कॉम करके इस तरीके से थोड़ा सा आगे की तरफ हेयर को पुल करना है, और यहाँ पे अच्छे से अपना पफ देख लीजिएगा आप, और उसके बाद से क्लिप लगा दो यहाँ पे। एक थोड़ा सा इधर से मेरा कम लग रहा था, तो थोड़ा सा हेयर का सेक्शन मैंने और इसमें ऐड कर लिया है। ओके, और अच्छा अच्छे से बालों को खींचते हुए पीछे में बैक वो बॉबी क्लिप लगा देंगे, टिक टैक क्लिप, जो भी आपके पास क्लिप हो उससे आप इन हेयर को सेट कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लिप्स लगा दे रही हूँ। बहुत ही सुंदर है, सेल्फ बन है, फ्रंट बैक सेल्फ बन हेयर स्टाइल, वेडिंग बन हेयर स्टाइल है, और शादी पार्टी में भी कर सकते हो। सिंपली भी कोई पूजा पाठ है घर में, छोटी सी फंक्शन है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो उसके बाद से ये आपका जो फ्रंट का हेयर है, मैंने साइड मांग रखा है, आप चाहो तो बीच का भी रख सकते हो। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेके बालों का ट्विस्ट करना है, हल्का सा खींच लेना है। अगर पतले हल्के बाल हैं तो आप खींचना बिल्कुल भूलिएगा मत, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी जो स्कैल्प दिखती रहती है वो नहीं दिखेगी। अगर आप बालों को खींचते हो तो इस तरीके से ट्विस्ट करके जहाँ पे आपने पफ का क्लिप लगाया था वहाँ तक इसको लेके जाना है। हल्का सा खींच देंगे यहाँ पे और यहाँ पे क्लिप लगा देंगे। ओके, अब दूसरी साइड में कैसे करना है, दूसरी साइड के हेयर को, ये हमारा एक साइड का होगा, दूसरी साइड हमको फ्रेंच चोटी बनानी है। थोड़ा सा हेयर लेंगे, थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इसको इस तरीके से, और इसको फ्रेंच ब्रेड बनाएंगे यहाँ पे। ओके, थोड़े थोड़े हेयर का सेक्शन दोनों साइड से लेते जाएंगे। ओके, और इस तरीके से चोटी बना लेंगे। आप थोड़ा ऊपर से करिएगा, मैंने थोड़ा नीचे से किया था तो बाद में थोड़े से हेयर निकल रहे थे, जिसको मैंने पिन से सेट किया था। अगर आप साथ साथ में पफ के साथ साथ में लेके जाओगे तो नहीं करना पड़ेगा वैसे। तो यहाँ से देखिए, इस तरीके से थोड़े थोड़े हेयर दोनों साइड से मैं ले रही हूँ, और ईयर तक पूरा। आप चाहो तो लेयर पहले ही निकाल लेना, बाद में निकालने में दिक्कत होगी, आपका हेयर स्टाइल बिगड़ भी सकता है। तो अगर लेयर निकालनी हो तो पहले ही निकाल लीजिएगा, मैंने यहाँ पे लेयर नहीं निकाली है। आज मेरा मेकअप मेरी स्टूडेंट्स ने किया था, तो अगर आपको मेकअप भी सीखना है तो आप बताइएगा, मैं नेक्स्ट दूसरा चैनल बना दूंगी मेकअप के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरीके से ब्राइड बना लिया, और ब्राइड को हल्का हल्का खींच देंगे वॉल्यूम दिखाने के लिए, सॉरी वॉल्यूम लाने के लिए बालों में। इस तरीके से खींच लिया, पूरा ऊपर तक खींच लेना है। ओके, इसके बाद इसको भी जहाँ पे आपने पफ बनाया हुआ है वहाँ पे पीछे क्लिप पे ले जाके क्लिप से ऐड कर देना। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा हेयर हमारा निकल जा रहा था, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप चाहो तो इतना है बना के आप बालों को खुला छोड़ सकते हो पीछे से। तो यहाँ पे मैं क्लिप लगा दे रही हूँ, और ये जो हेयर मेरा फूला फूला सा दिख रहा है, इसको मैं यूपिन की मदद से या फिर बॉबी क्लिप की मदद से अंदर की तरफ ब्राइड के नीचे दबा के और सेट कर दूँगी। ये हो गया हमारा, नहीं तो मैं यहाँ पे बॉबी क्लिप से भी सेट कर सकते हैं इस तरीके से ऊपर की तरफ ला के। उसके बाद से सारे बालों को क्या करना है, चलिए बैक से दिखाती हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से बैक से अच्छे से कॉम करके आप चाहो तो इसी तरीके से हेयर स्टाइल को छोड़ सकते हो, और चाहो तो इसमें बन बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे बन बना ले रही हूँ। अगर आप साड़ी पहन रहे हो, गाउन पहन रहे हो, अगर आप दुल्हन हो तो आप बन बना लीजिएगा, अदरवाइज आपको अगर पल्ला नहीं लेना है तो आप ओपन भी छोड़ सकते हो। ओपन छोड़ना हो तो हल्का हल्का बालों में कर्ल कर दीजिएगा। उसके बाद से एक डोनेट ले लूँगी बड़ा सा, और डोनेट के ऊपर सारे बालों को अच्छे से फैला लेंगे।
और थोड़े से हेयर को सेंटर से हेयर को लेके उसको बीच में ही सेट कर देंगे, और डोनेट के साथ चारों तरफ हेयर को फैलाते हुए एक रबड़ लेंगे और रबड़ को इस तरीके से डोनेट के ऊपर लगा देंगे। डोनेट अच्छे से हाइड हो जाना चाहिए। उसके बाद से जो आपने क्लचर लगाया है उसको ओपन कर लेंगे। कहीं से भी आपका डोनेट दिख रहा है तो उसको बालों से अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये वाला मैंने खोल दिया है। अब इसको क्या करेंगे, अच्छे से ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करके इसको राउंड राउंड सा लपेट लेंगे इस तरीके से। इसको लपेट के सेंटर में इस तरीके से यहाँ पे सेट कर देंगे दो यूपिन्स लेके। ओके, तो इस तरीके से सेट कर देंगे। बाकी बचे बालों को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और दो ब्राइड बना लेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा बन को टाइट करते हुए टू पार्ट्स में हेयर को डिवाइड करेंगे और दो सिंपल चोटियां जो होती हैं वैसे बना लेनी है आपको। थ्री लेयर्स लेनी है और सिंपल चोटी जैसे आप गूंथते हो वैसे ही गूंथ लेना है। ओके, और जो हमारा बन है उसके चारों तरफ इस चोटी को लपेट देना है। तो पूरा एंड तक ब्राइड बनाना है। उसको थोड़ा थोड़ा खींच के वॉल्यूम लाएंगे बालों में और इस तरीके से बन के चारों तरफ लपेटते हुए नीचे की तरफ से ले जाएंगे और यू पिन से इसको सेट करेंगे। तो आपको मेरा हेयर स्टाइल बताने का तरीका कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टा आईडी मेरी प्रीत तिवारी 24 है। PREET तिवारी TIWARI 24 और मेरा सेकंड चैनल है उसका नाम है सिलाई कोर्स प्रीत तिवारी। तो वहाँ पे आपको सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोस मिल जाएंगे। छोटी छोटी जो बारीकियाँ होती है जो मिस्टेक करते हो उन सभी चीज़ों पर मैं वीडियोज लेकर आती हूँ। और ड्रेस डिजाइनिंग से भी रिलेटेड बहुत अमेजिंग डिजाइनर ब्लाउज डिजाइनर ड्रेस सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। तो प्लीज़ इंटरेस्टेड हो तो जाओ और चेक करना, चैनल को चेक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब करके उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने चोटी बना ली है यहाँ पे और इसको भी थोड़ा थोड़ा खींच लेंगे दोनों साइड से और बन के चारों तरफ लपेटते हुए यू पिन से सेट करेंगे। और ये हमारा बन का फाइनल लुक है। इसके बाद से मैं गजरा ऐड करूँगी यहाँ पे। अगर आपको गजरा ऐड नहीं करना तो फ्लावर वाले जो यूपिन्स आते हैं वो आप ऐड कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे गजरा ऐड कर दे रही हूँ। गजरा ईजी होता है इसलिए गजरा लगा लो। तो इस तरीके से मैंने गजरे को लपेट दिया बन के चारों तरफ और यहाँ पे क्लिप दी होती है गजरे में ही, उसको बालों के अंदर इस तरीके से ऐड कर देंगे। जो एक्स्ट्रा गजरा दिख रहा है उसको आप हाइड कर लीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था इस पर। तो ये है बन का फाइनल लुक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आई हो, हेयर स्टाइल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। यहाँ पे जो हेयर दिख रहा था उसको भी मैंने इस तरीके से क्लिप से सेट कर लिया है और मैं अब बन का आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। यही साइड का लुक, ये है हमारा बैक का लुक, ये है दूसरी साइड का लुक। तो कैसी लगी वीडियो? और बहुत सारी हेयर स्टाइल की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। प्लीज़ चेक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा।